हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है ना, तो जो क्लास 12th का सीबीएसई का हुआ था, तो इसके जो एमसीक्यू है उसके आंसर आपसे शेयर किए जा रहे हैं। आप अपने आंसर जो है मैच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी अगर आपकी राय हो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये पहले का जो है सी है, दूसरे का भी है, इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, पहले का सी दूसरे का बी, तीसरे का जो है बी है, चौथे का जो है वो बी है, तीसरे का बी चौथे का बी। जो पांचवा क्वेश्चन है इसका है सी, इंग्लिश में भी देख सकते हैं सी। छठा जो क्वेश्चन है ए ए, सातवें का जो है डी, अगर हम बिल्कुल करंट डाटा के हिसाब से बात करें, ठीक है, डी। और एट्थ का जो है बी, और एट्थ का है बी, नाइन्थ का है ए, ठीक है, टेंथ का है बी। क्योंकि इसका रीजन जो है ना, ये ओजोन परत का कम होना नहीं होगा, ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ओजोन परत तो ऊपर है, वो तो पोल्यूशन की वजह से कम हो रही है ना, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं लगा, तो इसलिए इसका आंसर बी बोला गया। बाकी वो तो ऑफिशियल जो आंसर होंगे उसमें आपको पता लगेगा, ये केवल एक्सपर्ट द्वारा सॉल्व किए गए हैं, ये कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है। 11वें का सी है, 12वें का डी है, ठीक है, 11वें का सी 12वें का डी है, ठीक है। अब आप बाकी का पेपर देख लो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए। बाकी को सॉल्व नहीं किया गया, ठीक है, केवल एमसीक्यू को सॉल्व किया गया था। पैसेज वगैरह भी सॉल्व नहीं किए गए, ऐसे इसका आंसर बी है। बाकी कैसा रहा आपका एग्जाम पेपर, कैसा रहा आपको, कैसा लगा? एवरेज था, इजी था, टफ था? अगर आप बताना चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि किसके मतलब जरा वो सपोर्ट में आंसर्स वगैरह क्या आता है सपोर्ट, तो वो हम देख पाएंगे। तो इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।